आजकल भगवान शंकर के नाम पे मदिरा पान करते हैं, दम मारो दम। हाँ, आप खुद अपने भगवान की निंदा सुन रहे हो, उनके नाम पर नशा करना सीख रहे हैं, और ये क्या है? सबसे ज्यादा निंदा फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे भगवानों को, जब से उन तुच्छ जीवियों का आगमन हुआ, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुछ भी गाया और हम आनंद से उसमें थिरक रहे हैं। हमारे भगवानों का अपमान किया गया, हम आराम से सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कैसे कैसे गीत बनाए जा रहे हैं भगवान शंकर के नाम पर, और सबसे अच्छे तो क्या कहते हैं, ये तो भगवान शंकर की दवा है, पियो खाओ। अरे भगवान शंकर ने कब कहा? और भगवान श्री कृष्ण कौन है? उनको योगियों के भी योगेश्वर, योग योगेश्वर कहा गया है। कौन है भगवान श्री कृष्ण? लोग कहते अरे उन्होंने तो 16,108 विवाह किए थे। अभी एक केरला मूवी आई है, हमने तो नहीं देखा लेकिन सुना है हमने, जो कि सनातनियों को जागृत करने के लिए ऐसे वो धन्यवाद के पात्र हैं, जिन लोगों ने हमारी सनातनी धर्म संस्कृति को, जिन लोगों ने नष्ट किया है उनका तो क्या कहना, लेकिन जिन्होंने सनातन को दर्शाया है, वास्तविकता को दर्शाया, ऐसे धन्यवाद के पात्र हैं। क्या हुआ? वो मति भ्रम तो किया उसे एक लड़की ने कि तुम्हारे भगवान ऐसे जिन्होंने 16,108 विवाह किए रासलीला की। अरे जरा समझो तो कि भगवान के किस प्रकार विवाह हुए, ऊपरी ऊपरी बस बातें। सबको ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ने अपनी मर्जी से 16,108 विवाह नहीं किए। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, भगवान के 8 विवाह हुए, लेकिन 16,100 विवाह किस स्थिति में भगवान के हुए, जरा समझिए। भगवान ने भोग के लिए विवाह नहीं किए, अरे वो तो परम भगवान है, जहां काम होगा वहां राम नहीं हो सकता, जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा, और जहां राम है वहां काम हो भी नहीं सकता। 16,100 विवाह भगवान की किस स्थिति में हुए? भौमासुर नाम का दैत्य 16,100 कन्याओं को बांधकर हरण करके अपने जेल खाने में उसने रख लिया था, भागवत की कथा है। 16,100 कन्याओं को, और उन कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, इस दुष्ट ने हमें यहां कैद करके रखा है। जब भगवान उनको छुड़ाने गए, उस कैद से भगवान जब छुड़ाने गए, तो उन सारी कन्याओं ने कहा, हे भगवान, इस भौमासुर नाम के दैत्य ने हमें कब से यहां बंधक बना के रखा है, अब कोई भी राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा, और हम घर जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें नहीं अपनाएंगे, वो कहेंगे कि तुम किसी और के यहां रहकर आए हो, इतने दिन कैद में हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, ना मेरा माता पिता परिवार मुझे अपनाएगा, और कोई भी संसार का पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हम सब जाकर नदी में अपना प्राण त्याग करना चाहते हैं, हम मरना चाहती हैं। आप हमें छुड़ा तो लिए हो, लेकिन कहते हैं कुएं से निकले खाई में गिरे, यहां से तो कैद से मुक्त हो गए, हमें परिवार वाले स्वीकारेंगे नहीं, अब हमें मरना है। तब भगवान ने कहा, देवियों मरो नहीं, हम तुम्हें सम्मान देंगे, हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे, अपना नाम देंगे, और सासम्मान तुम्हारे लिए महलों का निर्माण होगा। द्वारिका में 16,108 स्वर्ण भवन निर्माण किए, और सासम्मान भगवान ने उनको स्थान दिए, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। संसार में जिन्हें कोई नहीं अपनाना चाहता था, उनको भगवान ने अपनाकर उनको सम्मान दिया, वो 16,100 कन्याएं हैं। भोग के लिए भगवान ने स्वीकार नहीं, अपितु परम योग्य उनको दिव्य बनाने के लिए भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। 16,000 विवाह भगवान ने ऐसे ही नहीं किए,
और किसी भी स्त्री को, भगवान की किसी भी पत्नी को ये नहीं लगा कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान 16108 रूप बनाकर रहते थे, प्रत्येक महल में भगवान रहते थे। भगवान की किसी भी पत्नी को कभी नहीं लगा कि मैं यहाँ नहीं रहा हूं। भगवान एक नहीं, 16108 रूप में रहकर भगवान अपनी प्रत्येक रानियों के महल में वास करते थे। भगवान कहीं यज्ञ कर रहे हैं, भगवान कहीं पूजन कर रहे हैं, कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं। भगवान की दिव्य दिव्य ऐसी लीला का नारद जी ने दर्शन किया, उनकी इस लीला के साक्षी बने। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? परम योगी है। ऐसे परम योगी भगवान श्री कृष्ण के लिए लोग क्या कहते हैं? मैं कहूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। और वो रासलीला क्या गाना पहले चला था गीत, हमारे भगवान को क्या कहा गया है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। कितनी असभ्य, यहां से कहने में कितना असभ्य लग रहा है, लेकिन आप सोचिए, आप इन्हीं गीतों पर थिरके हो, ये आपने अपने कानों से सुना और स्वीकार किया है। हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है। आप जरा देखो तो उनके पंथ के किसी एक पात्र को लेकर तो देखो, जरा उनके विषय पर तो आप गाकर देखो, पता चलेगा। नूपुर अभी किसके लिए, जिसने कुछ कह दिया था, क्या नाम था, नूपुर ही नाम था ना, जिसने कुछ कह दिया उनके पंथ के विषय में, उसको सजा काट के आना पड़ा। और आप अपने भगवानों के विषय में खूब सुनते हो, स्वीकारते हो, नाचते हो, हंसते हो, शेयर करते हो, क्या है ये? सनातनी है ना हम, जागो। भगवान का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो हमें अपने धर्म के देवताओं का मान सम्मान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि अरे भगवान ने इतने ब्याह कर लिए, हम एक दो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो चार कर लिए तो क्या हुआ। अरे भगवान ने 16108 ब्याह किए तो भगवान 16108 बने भी, आप 102 बन जाओ तो फिर देख लो। भगवान 5 वर्ष की उम्र में 100 फण वाले नाग पर नाचे, यहां एक मुंह का आ जाए तो भागते गली नहीं मिलेगी। 100 फण के नाग पर भगवान नाचे, कालिया नाग पर, ऐसे पर भगवान नाचे। 7 दिन तक, 7 वर्ष की आयु में, 7 रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन को उठाकर रखा। आप कुछ मन का पत्थर ही उठाकर रखे रहो, फिर पता चले कितना बल है। भगवान की होड़ करना बंद करें, भगवान के विषय में गलत सुनना बंद करें। कोई भी हमारे देवी देवता का अपमान ना कर सके, ऐसे बनो। भगवान ने रास किया, और किस प्रकार, जब भगवान ने रास किया तो रास में कोई एक गोपी नहीं थी, 100 गोपी नहीं थी, 1000 गोपी नहीं, 1,00,000 गोपी नहीं, 10 लाख भी नहीं, तो फिर कितनी? 10 लाख भी नहीं, 1,00,000,000 भी नहीं, तो फिर कितनी? 10 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ भी नहीं। कितनी गोपियां रास में सम्मिलित थी? 200 करोड़ भी नहीं, 400 करोड़ भी नहीं। 19 अरब गोपियां भगवान के साथ वृंदावन में रास कर रही थी। कितनी? 19 अरब गोपियां। दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ, पूर्णिमा का चांद था, दिव्य वो दिवस। भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां आईं। अरे देखो, जहां शरीर से शरीर का मिलन होता है वहां शरीर का श्रृंगार होता है, लेकिन जहां आत्मा से आत्मा का मिलन होना हो वहां आत्मा का श्रृंगार होता है। और आत्मा का श्रृंगार करके वो गोपियां भगवान के पास पहुंची है। यदि काम होता तो जो गोपी जो कर रही थी वो सब छोड़कर जैसी जिस दशा में थी भगवान की ओर दौड़ पड़ी है। और कहते हैं जो गोपी को उनके परिवार वालों ने जाने नहीं दिया, तो क्या हुआ, गोपी ने वहीं अपने
प्राणों को त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर आत्मा से भगवान के पास पहुंची है। यदि काम होता तो शरीर का शरीर से मिलन, शरीर का श्रृंगार होता है, लेकिन यहाँ तो आत्मा से परमात्मा मिलने वाले थे। आत्मा से आत्मा का मिलन होकर वो परमात्मा का तेज वहां प्रकट हुआ। गोपी अपने शरीर को त्याग कर, क्योंकि वहां तो आत्मा को मिलना था, भगवान तो हमारे विशुद्ध मन को देखते हैं, शरीर से ना मिल सकी। परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं गोपी, उसके परिवार वालों ने नहीं जाने दिया, बंद कर दिया कि इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो। उसने कहा तुम तन से ना जाने दो, मैं मन से अपने कृष्ण से मिल लूंगी। शरीर वहीं त्यागा और मन से भगवान के पास पहुंच गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई। तो रास का मतलब क्या है? रास वो है, नाचने का नाम रास नहीं है, भगवान इतनी गोपियों के साथ नाचे वो रास नहीं है। रास तो वो है जहाँ इतने जीव, 19 अरब जीव उस परमात्मा से मिले और खुद परमात्मा स्वरूप हो गए, वो है रास लीला। बोलिए रासेश्वर भगवान। और भगवान का एक नाम अच्युत है, ये किसने दिया भगवान को नाम? ना कामदेव ने नाम दिया, उसने कहा इस संसार में मैंने सबको हराया है, लेकिन हे भगवान कृष्ण 19 अरब गोपियां नृत्य कर रही हैं, यहाँ तो काम का वास कहाँ हो सकता है। भगवान ने उल्टा पकड़ा कामदेव को और पेड़ पर टांग दिया और कहा देखो तुम यहाँ पर दिव्य आत्माएं आई हैं जो ईश्वर से मिलने आई हैं। भगवान से कामदेव पराजित हुआ और तब उस कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और भगवान को एक नाम दिया जिसको कहते हैं अच्युत।